हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर संतोष पांडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हुआ हूं। वो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। हैरान मत होइए, अगर आपका ड्रीम बड़ा नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा घर नहीं चाहते, अगर आप अपने जिंदगी में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर नहीं चाहते, अगर आप फॉरेन टूर नहीं चाहते, अगर आप अपने जिंदगी में लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं चाहते, अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते, अगर आप लोगों की जिंदगी नहीं बदलना चाहते, अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते, तो मैं आपसे बोलता हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप अपने साथ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, आपको बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। लेट्स सी, एक आदमी के पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, अगर वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अगर वो अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है। जैसा कि हर व्यक्ति जब बचपन में पढ़ता है, लिखता है, एजुकेशन लेता है, उसके बाद उसका दो ही ड्रीम होता है। एक छोटे बच्चे से आप पूछो कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, वो एक ही बात बोलता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। मतलब वो एक सरकारी नौकरी की बात करता है। बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी नौकरी खराब है, लेकिन मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, सरकारी नौकरी या नौकरी में फर्क और नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है। गलती से अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई या आपकी नौकरी लग गई, तो आपका जो प्रमोशन होगा वो स्टेप बाई स्टेप होगा, कोई टैलेंट के हिसाब से या आपके काम के हिसाब से प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज होती है। आपकी कास्ट, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका बैकअप सपोर्ट, ये बहुत कुछ मैटर करता है आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो ना तो आपको हाइट की जरूरत है, ना आपको पर्सनालिटी की जरूरत है, ना आपको स्मार्ट होने की जरूरत है, ना ही आपकी कास्ट आपके आड़े आएगी। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है आपके अंदर जोश, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर जज्बा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकता हूं। अगर ये चीज आपके अंदर है, डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। हाँ, छोटी सी चीजें हैं जो आपको सहना पड़ेगा। कई बार लोग आपको ना करेंगे, कई बार लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कई बार लोग आपको डोमिनेट करेंगे, और कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि यार इस बिजनेस के अंदर तो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब किसी भी काम की शुरुआत होती है, जब किसी भी चीज की नींव रखी जाती है, जिस तरीके से एक बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, जब उसकी बेस क्रिएट की जाती है, उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता ये बिल्डिंग कितनी बड़ी बनेगी, कितनी मंजिल की बनेगी, इसमें कितने इमारत होंगे। लेकिन जो उस बिल्डिंग का मालिक होता है मेरे दोस्त, उसको ये पता होता है कि एक इमारत बनेगी, दो इमारत बनेगी, तीन इमारत बनेगी, या पांच इमारत बनेगी, या 60 इमारत बनेगी, ये उसके ऑनर को, उसके मालिक को पता होता है, और उसी के हिसाब से वो उस बीम को, उस बेस को क्रिएट करता है। मेरे दोस्त, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने अप्लाइंग के ऊपर ट्रस्ट करिए, और दुनिया में किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। फ्रेंकली आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू अनबिलीवेबल थिंग्स। अपने ऊपर भरोसा करिए, आप देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आप पे बिलीव करेगी और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे, अपनी कंपनी पे। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक कारण से फेल हो जाते हैं, सिर्फ एक कारण से, वो लोगों की ना सुनने से डरते हैं। अरे मेरे दोस्त, आप कोई बिजनेस करोगे, कोई भी व्यापार करोगे, वहां भी आपको रिजेक्शन झेलना ही पड़ेगा। आप BMW का शोरूम खोलो, आप मर्सिडीज का शोरूम खोलो, आप मारुति का शोरूम खोलो, आप बड़े से बड़ी चीज का बिजनेस कर लो, ना तो वहां भी सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन तो वहां भी झेलने पड़ेंगे।
मेंटल फेल है। हम माइंडसेट कर लेते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और माइंडसेट कर लेते हैं ये अपना व्यापार है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप अपना व्यापार समझ के करिए, नेटवर्क मार्केटिंग को आप अपना काम समझ के करिए, आप देखेंगे दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी है, दुनिया में कोई इंडस्ट्री है, कोई ऐसा विश्वविद्यालय है, कोई ऐसा विद्यालय है जो उसको बना सकता है, तो मैं खुल के आज आपके सामने बोल रहा हूँ, एक ही चीज है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया में हर चीज में अच्छाई है और हर चीज में बुराई है। क्या दुनिया में जितने वकील हैं सब पैसे वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, आप अपने आप से आप पूछिए। क्या दुनिया में जितने टीचर हैं सारे कामयाब हैं? क्या दुनिया में जितने डॉक्टर हैं सारे कामयाब हैं? क्या दुनिया में जितने इंजीनियर हैं सारे कामयाब हैं? हर जगह रेशियो काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी रेशियो काम करता है। जो लर्न करेगा, जो सीख के काम करेगा, वो पैसे जरूर कमाएगा, वो कामयाब जरूर होगा, वो अपनी पीढ़ी को चेंज करेगा, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को चेंज कर देगा। और मैं आपको खुल के एक बात अगर बोलूं तो ये दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है जहां से आप एक आदमी बन जाते हैं। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करेंगे ना, कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको दूसरे व्यक्ति को ठगना पड़ेगा, उसको लूटना पड़ेगा, उसको आपको कम दाम में लेकर के ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस करोगे ना आप, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है, ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा व्यापार है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपके साथ जो आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ग्राहक है, उसको आपको कामयाब करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे। कहते हैं कर भला तो हो भला, डेफिनेटली ऊपर वाला कहता है तू अपना भला कर, मैं तेरा भला करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी लाइन बोलता है लोगों का भला कर, तेरा भला करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी सिस्टम से काम करती है कि लोगों का भला करो, आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान रखिए, ईमानदारी से काम करिए, लगे रहिए, आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहिए, बहुत प्रगति करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।